बिग बॉस सीजन 18 में अविनाश और दिग्विजय के बीच में धक्का मुक्की हुई। जी हाँ, टास्क के बीच में दोनों फिजिकल होते हुए नजर आए, जहां पर दिग्विजय को धक्का देने पे जब अविनाश ने उसे धक्का दिया तो दिग्विजय नीचे गिर गया। जी हाँ, आखिर ऐसा क्या हुआ कि इन दोनों के बीच में इतनी ज़्यादा भयंकर फाइट हो गई कि ये दोनों एक दूसरे को धक्का देते हुए नज़र आ रहे हैं। क्या कुछ हुआ है आइए बताएंगे आपको हमारे चैनल टेली न्यूज़ में। लेकिन उससे पहले, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए। बिग बॉस सीजन 18 के घर में टाइम गॉड की दावेदारी पे हैं शिल्पा जी और रजत दलाल। वहीं हम आपको बता दें, जहां दिग्विजय कर रहे हैं रजत को सपोर्ट, तो अविनाश कर रहे हैं शिल्पा मैम को सपोर्ट। दोनों टास्क में रजत और शिल्पा दोनों के पीछे एक एक टोकरी है, जिसमें उन दोनों को अपना अपना सामान बचाते हुए चलना है और जो जिसे चाहे सपोर्ट करे। और कंटेस्टेंट को ये कोशिश करनी है कि दूसरे के बास्केट में, यानी कि जिसे वो सपोर्ट कर रहे हैं उसके बास्केट में सबसे ज़्यादा सामान हो। और कुछ वैसा ही हुआ टास्क के बीच में, दिग्विजय और अविनाश झगड़ा करते हुए नजर आए, जहां पर ये दोनों जब इतना ज़्यादा क्लोज आ गए कि धक्का मुक्की चालू हो गई। पहले दिग्विजय ने अविनाश को धक्का दिया, फिर अविनाश ने दिग्विजय को और तेज से धक्का दिया। जहां तक ये धक्का मुक्की चल ही रही थी, उसके बाद टास्क के बीच में जब शिल्पा अंदर थी तो दिग्विजय उन्हें चेस करते हुए उनके पीछे आ रहे थे उनके बास्केट से सामान निकालने के लिए, और शिल्पा मैम को सेव करने के लिए उनके पीछे अविनाश आ रहे थे। जहाँ पर दिग्विजय ने बहुत ही तेज़ी के साथ शिल्पा के बास्केट से सामान निकाला, शिल्पा डिसबैलेंस हुई, वहीं अविनाश ने दिग्विजय को धक्का दिया और दिग्विजय किचन के पास जाते हुए नीचे गिर गए एकदम से। जी हाँ, तो क्या इस तरीके का जो फिज़िकल वायलेंस घर में अलाउ हो रहा है उस पर बिग बॉस लेंगे कोई एक्शन? कौन बनेगा घर का नया टाइम गॉड, ये तो फिलहाल हमें पता चलेगा। आप कितने ज़्यादा एक्साइटेड हैं कमेंट्स में बताइए। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।